के बेदारी ये जलसा नहीं है, जलसे हमारे रोज होते हैं। ये कई एजेंडों पर एक यात्रा है और उस यात्रा के क्रम में जो एजेंडा है, एजेंडा लेकर के ही ये यात्रा है, ये तहरीक है, ये मिशन है। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। इंसानों की मौत होती है, मिशन की मौत नहीं होती। वरना हमारे मुल्क की आज़ादी का मिशन जिसने खड़ा किया, उनके जाने के बाद वो आज़ादी की जंग रुक जाती है। भारत की आज़ादी के बाद तीन चार चीज़ें आई सामने, हमें खुशी है, हमें फख्र है। एक एक ईमान वाला गर्व करता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और मेरे पैगंबर ने भी ये हुक्म दिया है, वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। आज़ादी के बाद से मुसलसल कुछ इशू, कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिससे हमारी कम्युनिटी बिछड़ते चली गई। तालीम में बिछड़ गई, कारोबार में बिछड़ गई, सरकारी मुलाजमत में बिछड़ गई। दंगे हमारे मुकद्दर रहे, फसाद हमारी किस्मत रही। हमारे बच्चों के तालीम का इंतज़ाम कोई ठोस ना हो सका, जाहिल कहा जाता रहा, अनपढ़ कहा जाता रहा, सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं। मदरसे हम चंदा से बनावे, मस्जिदें हम चंदा से बनावे, बुलडोजर सत्ता और इख्तदार का आकर कभी भी गिरा दे। हमारे मुल्क में इन दिनों एक ट्रेंड चल पड़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना कुछ पाले हुए संगठन के तथा कथित लीडरों ने पेशा बना लिया है और पॉलिटिक्स में उनको प्रमोट भी किया जाता है। अदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं एक ऐसा कानून बन जाए जिससे हमारे मुल्क में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को आहत न किया जा सके, ठेस न पहुंचाया जा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म का कोई महान भाव व्यक्ति है जो उसके धर्म और उसके मजहब में आदर्श है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई अभद्र बयान दे, टिप्पणी दे, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। आपने महसूस किया होगा कि इन इधर करीब 10-15 सालों से मॉब लिंचिंग आम हो गई है। नाम पूछ कर मार दिया जाए, ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर वर्दी वाला, जिसके वर्दी और अशोक स्तंभ के सिंबल को देख करके भारत का हर नागरिक कहता है कि ये मेरी सुरक्षा और हिफाजत करेगा, और वो व्यक्ति ट्रेनों में ढूंढ ढूंढ करके अगर सूट कर रहा है तो हमारा देश कहां जा रहा है। क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बन रहा? मॉब लिंचिंग, धार्मिक प्रताड़ना, एक हमारे बच्चों के बीच में भय का माहौल क्रिएट किया गया है। शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं, MSDP एरियाज और इलाके क्रिएट किए गए, लेकिन MSDP इलाके में ना कोई कॉलेज बना, ना स्कूल बना, ना कोई अस्पताल बना। आखिर हम इस देश के शहरी हैं कि नहीं हैं? मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चे कोई जंगल के घास तो नहीं है, निकल गए? आखिर ये सत्ता और हुकूमत बनाने के लिए तख्ता कब तक बनते रहेंगे? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमको पढ़ा दी गई, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट पढ़ा दी गई, ये सारे मुद्दे, सारी चीजें आकर अब नतीजे पर इदारे शरिया पहुंचा है कि जिस तरह दलित भाइयों को समाज में इज्जत के साथ, शान के साथ, सुरक्षा के भाव के साथ जीने का हक है, उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं कानूनों के साथ अब वक्त आ गया है कि भारत में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों के अंदर भारतीय होने पर गर्व रहे, खौफ का माहौल न रहे। तीसरा एजेंडा, जहेज की लानत से हमारे ही नहीं सभी धर्म के लोग प्रताड़ित हैं, हर वर्ग परेशान है। पूरे भारत में जहेज, तिलक, महंगी शादी से बेटियां भारत की बोझ बन रही है। इसलिए इदारे शरिया ने तहरीक और अभियान चलाया है और इसका रिजल्ट आ रहा। बंद करो DJ, बंद करो महंगी शादी, बंद करो महंगा खाना, महंगी दावत। इन पैसों को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ,
ताकि मुल्क और समाज को स्वच्छ और सेहतमंद रख करके अपने देश और मुल्क की तामीर में भरपूर हिस्सा ले। हम निकले हैं अपने बच्चों को बताने के लिए कि तुम इस मुल्क में जब जब खतरे आए हैं, तुम्हारे बाप दादा ने कुर्बानी देकर भारत की हिफाजत की। इस तारीख से कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता कि हमें दहशतगर्द कहा जाता रहा, हमें टेररिस्ट कहा जाता रहा, मेरे मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कहा जाता रहा, बगैर किसी चार्ज, बगैर किसी प्रूफ के मेरे बच्चों को दहशतगर्द करके जेल में डाल दिया गया। 30 साल 35 साल बच्चों की जवानी सड़ गई जेल में, अदालतों ने बाइज्जत बरी किया, एक सेकुलर पार्टी ने इस पर आवाज नहीं उठाई। मॉब लिंचिंग पर एक सेकुलर पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। हमारे बच्चों के कत्लेआम पर किसी के एक लफ्ज नहीं निकलते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर निकले हैं, अपनी कम्युनिटी को, अपने उलमा को, अइम्मा को, एक एक चूल्हे को जगा कर रहेंगे। इसलिए कि अब तो नारा क्लियर हो गया है, जिसकी भारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमको चाहिए यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, पुलिस में भी, सिविल सर्विसेज में भी और इख्तदार में भी।